हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में वील बी कवरिंग दिस सिंपल स्कीम विच इज़ एक्चुअली अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ऑल दोज हु वर सफरिंग बिकॉज ऑफ कोविड, एंड दिस इज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टिल गोइंग टू स्कूल और अटेंडिंग देयर कॉलेज। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई पैंडमिक है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो समटाइम्स वॉट हैपन्स दैट ईदर यू लूज योर जॉब और यू लूज समवन हु वॉज एक्चुअली द अर्निंग मेम्बर। सो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी मिस हैपनिंग हुआ है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। यू कैन एक्चुअली अप्लाई फॉर दिस स्कीम एंड देन दे विल बेसिकली फंड योर एजुकेशन एक्सपेंडिचर। दिस इज़ वॉट द स्कीम इज़ गोइंग टू डू। देन अब हर स्कीम की कुछ एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी मतलब होता है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको सैटिस्फाई करनी होती हैं। इफ़ यू सैटिस्फाई द कंडीशन देन यू कैन डेफिनेटली गेट दिस स्कीम और गेट दिस स्कॉलरशिप। सो अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, फिर ग्रेड वन से लेके ग्रेजुएशन, विच इज़ अ गुड थिंग। चाहे आप ग्रेड वन में हो, चाहे आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तब भी आपकी जो एजुकेशन फ़ी है उसको फंड कर देंगे। देन हो सकता है कि यार आप सिंस जनवरी यू हैव लॉस्ट अ पेरेंट, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। या हो सकता है कि जो भी आपके फैमिली में अर्निंग मेम्बर हैं, दे मस्ट हैव लॉस्ट द एम्प्लॉयमेंट। अगर ये सारी कंडीशंस वैलिड हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस स्कीम। ओके, वाइल दिस इज़ एंड कंडीशन, दिस इज़ ऑल्सो वन एंड कंडीशन, ये दोनों में से और है। इन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज़ हुई है, देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर स्कीम। अब एलिजिबिलिटी के बाद हम लोगों को देखना है कि आपको मिलेगा क्या। सो यू विल गेट अप टू 30,000 पर ईयर। तो जो भी आपकी फ़ी है उसमें से 30,000 कवर हो जाएगा। तो अगर आप किसी डिसेंट स्कूल में हैं तो वहाँ की फ़ीस साल की कुछ 30,000 होती है, कभी कभार थोड़ी ज़्यादा भी होती है, बट इट विल कवर दैट। इफ़ यू आर इन एनी गवर्नमेंट कॉलेज, फॉर एग्जाम्पल DU और एनी कॉलेज ऑफ DU, तो इट विल कवर ऑब्वियसली योर फ़ी। एंड इट विल ऑल्सो गिव यू सम मेंटोरशिप बेनिफिट्स। वो क्या होता है कि दे विल गाइड यू वॉट टू डू वॉट नॉट टू डू, तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को ये स्कीम देंगे या बहुत सारे बच्चों के लिए ये चीज़ फंड करेंगे, तो इसलिए रिवॉर्ड अमाउंट कम है, बट इट विल स्टिल हेल्प यू। तो आपको करना क्या है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सो हम जो लिंक है वो नीचे ज़रूर दे देंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाके भी कर सकते हैं, buddyforstudy.com। अदरवाइज वील डेफिनेटली गिव यू द डायरेक्ट लिंक। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेफिनेटली ये बता देंगे कि रजिस्टर कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, वो सब बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।